ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का चैप्टर है, चैप्टर के नाम है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आज हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में जानेंगे, कौन से पूछे गए हैं, क्या पैटर्न रहता है, उसको जो है जितेश सर आज सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन को। चलिए तो अब आगे वीडियो जो है जितेश सर कंटिन्यू करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आईटीआई से जुड़ी सभी जानकारी प्लस स्टडी मटेरियल्स आपको टाइमली मिलते रहते हैं, और टेलीग्राम ऐप पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं ग्लोबल आईटीआई के नाम से, वहाँ भी चैनल है। पहला क्वेश्चन कह रहा है इस टॉपिक में कि किस प्रकार का पैमाना मूविंग कॉयल मापन उपयंत्र में प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रैखिक पैमाना। इसमें एक फार्मूला होता है कि जो डिफ्लेक्शन टार्क होता है कि जो विक्षेपक बल आघूर्ण यानी कि TA होता है, इसमें जो होता है प्रोपोर्शनल टू IK। क्योंकि इसमें क्या है कि जैसे जैसे आपका बल आघूर्ण TA बढ़ेगा तो हमें जो करंट है IA क्या होगी, बढ़ेगी। इस प्रकार एकदम ग्राफ खींचते हैं तो हमारा अगर इसको हम दिखाते हैं TA यानी कि टार्क, इसको दिखाते हैं करंट यानी कि I, तो चूंकि दोनों क्या एक दूसरे के समानुपाती यानी कि प्रोपोर्शनल हैं, इस प्रकार जो हम ग्राफ खींचेंगे तो हमारा क्या होगा, लीनियर होगा। तो जो इस मूविंग कॉयल मापन यंत्र में जो पैमाना होगा हमारा क्या होगा, रैखिक होगा। अब ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अरैखिक पैमाना, ये होता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में यानी कि MI, इसको बोलते हैं मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट में जो हमारा पैमाना क्या होता है, अरैखिक होता है यानी कि नॉन लीनियर होता है। इसमें जो हमारा टार्क होता है TA, ये प्रोपोर्शनल होता है I स्क्वायर के। इस प्रकार यदि हम इसके बीच ग्राफ खींचेंगे तो हमारा लीनियर यानी कि रैखिक नहीं होगा, अरैखिक होगा। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार का यंत्र इंटीग्रेटिव प्रकार के अंतर्गत आता है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है एनर्जी मीटर जो है आपका इंटीग्रेटिंग प्रकार का पैमाना या उपयंत्र है। जो ऑप्शन नंबर बी है वोल्ट मीटर, एमीटर और वाट मीटर, ये आपके इंडिकेटिंग यानी कि सूचक प्रकार के यंत्र हैं, जबकि एनर्जी मीटर क्या हमारा इंटीग्रेटिव यानी कि समाकल प्रकार का यंत्र है। अगला क्वेश्चन, 1 mA धारा तार के माध्यम से बह रहा है, जब मीटर तार में 1000 ओम है और यह FSD यानी कि फुल स्केल डिवीजन पैदा करता है, तो कॉयल में वोल्टेज उत्पादन क्या हुआ। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारा मापक यंत्र है उसमें 1 mA की करंट फ्लो हो रही है और जिसमें जो प्रतिरोध है कितना है, 1000 ओम है, और यह फुल स्केल डिवीजन यानी कि FSD को प्रदर्शित करता है या पैदा करता है, तो कह रहा है कि आपसे कॉयल में वोल्टेज निकालने के लिए। जैसा कि आपने देखा इस क्वेश्चन में दे रखा है करंट कितनी है, 1 mA, इसको नोट करते हैं I = 1 mA। आपको पता होगा 1 mA मतलब क्या है, 1×10⁻³ A होता है। फिर आपको आगे दे रखा है जो आपके रेजिस्टेंस है कितना है, 1000 ओम है, नोट करेंगे R = 1000 ओम। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब फुल स्केल डिवीजन होगा तो कॉयल में कितना वोल्टेज उत्पादन होगा या उत्पन्न होगा, तो हमें क्या निकालना है, भी निकालना है, भी बराबर वाट। आपने फार्मूला पढ़ा होगा V = I × R। आपको भी निकालना है, नहीं पता है I यानी कि करंट दे रखा है कितना, 1×10⁻³ A, 1×10⁻³ × R आपको दे रखा है कितना, 1000 ओम। R का जब हमने 1000 रखा है, जब इन दोनों को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 1 वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि ये क्या होगा 10⁻³। इसको अगर हम और सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये 1 वोल्ट यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1×10³ लिख सकते हैं, इसके बराबर किसके बराबर, 1000 के बराबर लिख सकते हैं। ये +3 में है आपका और ये -3 में है, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 वोल्ट जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में आप देख रहे होंगे कि 1 वोल्ट आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि किस सिद्धांत में अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर कार्य करता है। तो कह रहा है कि जो अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर है ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है। जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वोल्टेज ड्रॉप विधि पे आपका जो है अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर कार्य करता है, क्योंकि
ऑप्शन नंबर जो एक कह रहा है रेजिस्टेंस ड्रॉप, ये तो रेजिस्टेंस हमेशा क्या होती है फिक्स वैल्यू होती है, ये कभी ड्रॉप नहीं होती है। और जो सी कह रहा है व्हीट स्टोन ब्रिज, तो व्हीट स्टोन ब्रिज से हम अननोन रेजिस्टेंस यानी कि हमें तीन प्रतिरोध दिए होते हैं तब हमें अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के यंत्र केवल एसी सर्किट में प्रयोग किए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि केवल एसी सर्किट में कौन सा उपयंत्र प्रयोग किया जाता है। जो आपका ऑप्शन नंबर बी है इंडक्शन टाइप वाट मीटर, ये आपका आंसर सही होगा। इंडक्शन टाइप वाट मीटर ये यंत्र केवल और केवल एसी सर्किट में प्रयोग किया जाता है। जैसे मल्टीमीटर है आप इसको डीसी से भी और डीसी पे भी और एसी पे भी यूज कर सकते हैं। मूविंग आयरन, मूविंग आयरन से भी एसी और डीसी दोनों मेजरमेंट कर सकते हैं। जो मूविंग कॉयल है आपका, मूविंग कॉयल से सिर्फ और सिर्फ केवल डीसी हम माप करते हैं या डीसी मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टोंग टेस्टर का उपयोग करके कोई भी माप लेने से पूर्व मुख्य सावधानी क्या है। कह रहा है कि किसी भी टेस्टर या किसी भी उपयंत्र के द्वारा माप लेने से पूर्व हमें मुख्य सावधानी कौन सी बरतनी होती है, कौन सी मुख्य सावधानी रखनी होती है। जो का ऑप्शन नंबर बी है संकेतक को शून्य पर निश्चित करना, ये सही हो जाएगा। किसी भी उपयंत्र को यदि हम उसका संकेतक शून्य नहीं करेंगे, जीरो नहीं करेंगे, तो हमें रीडिंग पढ़ने में असुविधा होगी और जो उसका वैल्यू होगा एग्जैक्ट प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर जो बी है संकेतक को शून्य पर निश्चित करना पड़ेगा किसी भी इंस्ट्रूमेंट के माप लेने के लिए। आपका अगला क्वेश्चन है किस यंत्र की संवेदनशीलता यानी कि सेंसिटिविटी की इकाई क्या होती है। किसी भी यंत्र की सेंसिटिविटी या संवेदनशीलता या सुग्राहिता की उसकी इकाई पूछ रहा है, जिसका एक फार्मूला होता है एस इजकल टू आर अपन वी। आर क्या है आपका रेजिस्टेंस है, आर आपका रेजिस्टेंस है, भी क्या है आपका वोल्टेज है, भी आपका वोल्टेज है। जो हमारा सेंसिटिविटी है इसका फार्मूला होता है एस इजकल टू आर बाई वी, या इसका एक और फार्मूला होता है यदि हम वी को सॉल्व करें तो एस इजकल टू आर तो ऐसे ही रहेगा हमारा, इसको हम कर दें वी इजकल टू क्या होता है आपके आई इंटू आर, आपने पढ़ा होगा क्या वी इजकल टू आई आर पढ़ा होगा। तो इस प्रकार जो आर से आर क्या होगा कैंसिल आउट, तो हमारा यस क्या बच जाएगा एस इजकल टू वन अपन आई, ये भी हमारा सेंसिटिविटी का एक फार्मूला होता है। तो यहाँ से सेंसिटिविटी का हमारे पास दो मात्रक निकाला है, पहले से क्या होता है एस इजकल टू आर बाई भी, इसका अगर मात्रक निकालना चाहें तो आर का मात्रक क्या होता है ओम होता है और भी का मात्रक वोल्ट आपने पढ़ा होगा। इस प्रकार जो हमारा सेंसिटिविटी का मात्रक क्या आया ओम पर वोल्ट, ये हमारा पहले अनुसार हुआ। और जब दूसरा निकालेंगे तो हमारा एस बराबर वन अपन आई आया था, तो कहीं कहीं आपको ये भी मिलता है एम्पियर इनवर्स, एम्पियर के पावर माइनस वन, इसको हम एम्पियर इनवर्स पढ़ते हैं। तो आपको क्वेश्चन में कहीं कहीं मिलता है ओम पर वोल्ट सेंसिटिविटी का मात्रक, या कहीं कहीं सेंसिटिविटी का मात्रक एम्पियर इनवर्स भी मिलता है। तो आप ध्यान देंगे क्वेश्चन में कि आपके ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। इस प्रकार जो हमारा पहला ऑप्शन ए है उसमें दे रखा है ओम पर वोल्ट, यानी कि इस फार्मूले के अनुसार क्या होगा ओम पर वोल्ट हमारा संवेदनशीलता यानी कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी का मात्रक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन उपकरण में स्प्रिंग नियंत्रण के लिए किस धातु सामग्री का उपयोग किया जाता है। आपने अगर इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ा होगा तो मापन यंत्र में जो हमारा नियंत्रण प्रणाली यूज करते हैं स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली करते हैं, एक जगह ग्रेविटी नियंत्रण भी होता है लेकिन मैक्सिमम केस में हम स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली का ही यूज करते हैं। तो जहाँ भी अगर स्प्रिंग नियंत्रण की बात आए तो वहाँ पर जो हम सामग्री धातु सामग्री यूज करते हैं वो हमारा होता है फास्फर ब्रांच, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अगला क्वेश्चन जब उपकरण बिना किसी कंपन के उसका सूचक आवश्यक मान प्राप्त कर लेता है तो उस अवमंदक को क्या कहते हैं। इसका क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी भी उपकरण में उसका जो सूचक यानी कि इंडिकेटर बिना अवमंदक या बिना कंपन के आवश्यक मान प्राप्त कर लेता है तो उस अवमंदक को क्या कहते हैं। उस अवमंदक को हम कहते हैं क्रिटिकल डैम्प्ड। एक्चुअली में जो डैम्पिंग हमारी तीन तरह की होती है अंडर डैम्पिंग, ओवर डैम्पिंग और क्रिटिकल डैम्पिंग। अंडर डैम्पिंग में क्या होता है जो कंपन होता है कम होता है, ओवर डैम्पिंग में कंपन ज़्यादा होता है और क्रिटिकल डैम्पिंग में लगभग एक के बराबर होता है।
ओवर डैम्पिंग में क्या होता है, जो हमारा पैमाना होता है या जो संकेतक होता है वो कंपन करने लगता है, काफ़ी देर तक कंपन करता रहता है। आपने अगर वर्कशॉप में प्रैक्टिकल किया होगा तो वाट मीटर या एमीटर या वोल्ट मीटर में देखा होगा, जो संकेतक होता है वो बार बार ऐसे ऐसे कांपते रहता है, तो उसको हम कहते हैं ओवर डैम्पिंग। अगर यदि पैमाना हमारा अंडर डैम्पिंग में तो हल्का हल्का मूव करेगा धीरे धीरे, और जो क्रिटिकल डैम्पिंग में क्या होगा कि हमारा पैमाना अगर जीरो से स्टार्ट हुआ उसे पाँच तक जाना है तो पाँच तक जाके वो क्या होगा अपने आप रुक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमीटर के विस्तार रेंज के लिए शंट रजिस्टर की कौन सी धातु उपयोग की जाती है। आपको पता होगा कि यदि हम एमीटर का विस्तार करना हो या किसी भी एमीटर का हमें विस्तार करना हो, उसके रेंज को बढ़ाना है, उसकी माप सीमा को बढ़ाना है, तो उसे हम क्या करते हैं, शंट रजिस्टर का उपयोग करते हैं। तो जो शंट रजिस्टर हम यूज करते हैं उसमें कौन सी धातु यूज होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसमें जो हमारा मैग्नीन होता है, मैग्नीन धातु का यूज करते हैं एमीटर का विस्तार करने के लिए या उसकी पैमाना को विस्तार करने के लिए। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मल्टीमीटर द्वारा करंट, वोल्टेज या प्रतिरोध मापने के लिए कौन सा नियंत्रण स्विच सेट करते हैं। यानी कि जब हम मल्टीमीटर से करंट, वोल्टेज या प्रतिरोध मापते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, स्विच को नियंत्रण करना पड़ता है। तो जो स्विच नियंत्रण करते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम फंक्शन स्विच। फंक्शन स्विच बोलते हैं जब किसी मल्टीमीटर में करंट, वोल्टेज या प्रतिरोध को मापते हैं। ऑप्शन में नंबर बी में आपका सेलेक्टर स्विच भी है, कहीं कहीं इसका भी यूज करते हैं, लेकिन मैक्सिमम केस में सेलेक्टर स्विच का यूज वहाँ करते हैं जहाँ पे हमें वैल्यू फिक्स होती है। जैसे हमें मान लीजिए कि 5 ओम से 10 ओम के बीच के वैल्यू को मापना है, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्टर स्विच के द्वारा उसमें 5 ओम से 10 ओम के बीच वैल्यू को पुट कर देंगे और हमें सेलेक्टर स्विच का यूज करेंगे। लेकिन इस केस में क्या, हमें कुछ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, तो हमें करंट, वोल्टेज या प्रतिरोध के मापने के लिए क्या करेंगे, फंक्शन स्विच का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है, वह यंत्र जिन्हें पावर ऑन होने पर परिपथ में कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि क्वेश्चन में कह रहा है कि वह कौन सा उपयंत्र या यंत्र है जो सर्किट में पावर ऑन होने पर यूज नहीं करना होना, अर्थात जब पावर ऑफ हो तब आपको यूज करना चाहिए, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर डी है, ओम मीटर तथा मेगर। ओम मीटर और मेगर ऐसी डिवाइस है जो सर्किट में हमेशा ऑफ स्थिति में या बंद स्थिति में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ओम्स लॉ में कि जो सामान्य ताप और दाब होते हैं वो कांस्टेंट होना चाहिए। यदि हम सप्लाई ऑन करके ओममीटर या मेगर को लगाएंगे तो उसमें क्या होगी, करंट फ्लो होगी, जब करंट फ्लो होगी तो वहाँ क्या होगा, लॉस होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो वहाँ ताप भी उत्पन्न होगा। जो हमारा ओममीटर और मेगर है ये सही से काम नहीं करेगा, इसलिए हम ओममीटर या मेगर को हमेशा पावर ऑन होने पर नहीं बल्कि पावर ऑफ होने पर यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रतिकर्षण प्रकार के MI, यानी MI का मतलब आप लोगों को पता होगा, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो कह रहा है प्रतिकर्षण प्रकार के मूविंग आयरन उपकरण में विक्षेपक बल किसके समानुपाती होता है। तो विक्षेपक बल के बारे में ये बात कर रहा है, तो हमारे पास एक फार्मूला है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है MI यानी कि मूविंग आयरन उपकरण में विक्षेपक बल किसके समानुपाती होता है। तो मैं आपको बता दूं, जब भी बात करें अगर मूविंग आयरन इसको या शॉर्ट में MI भी कहते हैं, तो इस केस में जो हमारा विक्षेपक बल आघूर्ण यानी कि टी मतलब क्या, टॉर्क, और डी मतलब डिफ्लेक्शन यानी कि विक्षेपण, ये जो समानुपाती होता है I स्क्वायर के होता है। इस क्वेश्चन का मैंने जिक्र ऊपर भी किया था। तो जब भी अगर बात करें मूविंग आयरन की यानी कि MI टाइप इंस्ट्रूमेंट की, तो जब हमारा विक्षेपक बल अघूर्ण यानी कि TD होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, I स्क्वायर के। यदि अगर बात करें यहीं पे, हम आपको बता दें कि मूविंग क्वायल यदि पे यहीं हम मूविंग क्वायल यानी कि MC टाइप मूविंग क्वायल को हम क्या कहते हैं, MC यानी कि मूविंग क्वायल। इस टाइप के यंत्र में क्या होता है, जो हमारा डिफ्लेक्शन टॉर्क यानी कि TD होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, I के होता है। इसमें जो हमारा टॉर्क किसका होता है, I के समानुपाती होता है। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, MI उपकरण के बारे में कि विक्षेपक बल किसके समानुपाती होता है। मैं यहीं पर बता दिया हूँ, TD प्रोपोर्शनल I स्क्वायर। तो जो आपका ऑप्शन नंबर B है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि बिना किसी बैटरी के साथ मल्टीमीटर
किन मापों के लिए उपयुक्त है। यानी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि हम मल्टीमीटर यूज कर रहे हैं उसमें बैटरी ना लगाएं, यानी कह रहा है बिना किसी बैटरी के साथ, यानी हम इसमें बैटरी यूज नहीं करेंगे, तो मल्टीमीटर किन मापों को माप सकता है, उसके लिए उपयुक्त है। तो हम बता दें कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी है केवल प्रतिरोध के लिए सही रहेगा, उपयुक्त रहेगा। क्या चीज़? मल्टीमीटर। यदि हम इसको बैटरी से जोड़ देंगे तो वोल्टेज भी मेजर करेगा, करंट भी मेजर करेगा। ऑप्शन नंबर बी है करंट और प्रतिरोध, तो यहाँ करंट भी मेजर करेगा। ऑप्शन नंबर सी में वोल्टेज और प्रतिरोध, प्रतिरोध तो मापेगा ही और साथ में वोल्टेज भी माप करेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है केवल बिना किसी बैटरी के, यानी आपको बैटरी नहीं लगानी है, तो जब तक आप सप्लाई नहीं देंगे तो केवल क्या होगा, वो प्रतिरोध को मेजर करेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि इंडिकेटिंग टाइप के विद्युत यंत्रों की चल प्रणाली यानी कि मूविंग सिस्टम पर किस प्रकार का आघूर्ण लगता है। यानी कोई भी अगर विद्युत यंत्र है जिसमें यह इंडिकेटिव टाइम यानी कि दर्शाने वाला, इंडिकेट मतलब क्या होता है, दर्शाना, तो कह रहे कि इंडिकेटिंग टाइप विद्युत यंत्र की जो मूविंग प्रणाली है, चल प्रणाली है, उसमें किस प्रकार का आघूर्ण लगता है। तो किसी भी उपकरण में तीन तरह के बल आघूर्ण लगते हैं, अवमंदन बल आघूर्ण भी, विक्षेपक बल आघूर्ण और नियंत्रण बल आघूर्ण। ये तीनों यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये तीनों बल आघूर्ण किसी भी उपयंत्र में लगते हैं और खासकर इंडिकेटिंग टाइप में या इंटीग्रेटिंग टाइप में, दोनों में लगते हैं। विक्षेपक बल आघूर्ण क्या होता है कि जब हम किसी भी यंत्र को सप्लाई देते हैं तो करंट लेता है और उसका जो संकेतक होता है उसमें क्या होता है, विक्षेप होता है, वो यानी वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ना शुरू करता है, इसे कहते हैं विक्षेपक बल आघूर्ण। ऑप्शन नंबर सी होता है नियंत्रण बल आघूर्ण, इसे इंग्लिश में कहते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क। तो कंट्रोलिंग टॉर्क का काम क्या होता है, जैसे हम सप्लाई देते हैं तो हमारा जो पैमाना यानी जो इंडिकेटर होता है धीरे धीरे बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, तो जो कंट्रोलिंग टॉर्क है सी उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। जो ऑप्शन नंबर आपका ए है अवमंदक बल आघूर्ण, इसको इंग्लिश में कहते हैं डैम्पिंग टॉर्क। तो आपने देखा होगा किसी किसी इंस्ट्रूमेंट में जो आपका संकेतक होता है वो कंपन करते रहता है, यानी कि जो आपका निश्चित मान होता है उस पर स्थिर ना होकर उसके आगे पीछे वाइब्रेट या कंपन करते रहता है। उस कंपन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, अवमंदक बल आघूर्ण यानी कि डैम्पिंग टॉर्क यूज करते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी इंडिकेटिंग टाइप उपयंत्र में ये तीनों बल आघूर्ण उपयुक्त होते हैं या आवश्यक होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेगर के जनित्र की घूर्णन गति कितनी होती है। मेगर की घूर्णन गति होती है आपकी 140 से 160 चक्र प्रति मिनट, यानी 140 टू 160 साइकिल पर मिनट। ये वैल्यू आपको याद करना होगा, ये मेजर किया गया है। अगला क्वेश्चन है मल्टीमीटर क्या नहीं माप सकता है। तो आपको पता करना होगा कि इन जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको मल्टीमीटर मेजर नहीं करता है। अगर आपने वर्कशॉप में मल्टीमीटर पर का प्रयोग किया गया होगा तो देखा होगा वो करंट का मेजर करता ही है, यानी धारा वो मापता है, वोल्टेज भी मापता है, प्रतिरोध भी मापता है, जबकि वो इंडक्टेंस यानी कि प्रेरकत्व का मेजरमेंट नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जा रहा है कि मल्टीमीटर क्या नहीं मापता है। तो आपका जो प्रेरकत्व है यानी कि इंडक्टेंस, इसका मेजर नहीं करता है मल्टीमीटर। और एक ऑप्शन और बता दूं आपको मैं, जो फ्रीक्वेंसी होती है यानी कि आवृत्ति, तो मल्टीमीटर से हम आवृत्ति का भी मापन नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें वो वैल्यू दी नहीं होती है। तो केवल और केवल प्रतिरोध, वोल्टेज और धारा हम क्या कर सकते हैं, मल्टीमीटर की सहायता से माप सकते हैं। अगला क्वेश्चन, वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाई जा सकती है। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि किस प्रक्रिया के द्वारा हम वोल्टमीटर की रेंज को या उसकी माप को बढ़ा सकते हैं। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है कह रहा है कि सीरीज में मल्टीप्लायर जोड़कर, यानी जब भी हमें वोल्टमीटर की क्या करनी हो, रेंज को या उसकी मापन क्षमता को बढ़ानी होती है तो क्या करेंगे, सीरीज में एक अधिक मान का रेजिस्टेंस क्या करते हैं, लगाते हैं, जिसे कहते हैं सीरीज में मल्टीप्लायर जोड़ के क्या करते हैं, उसको वोल्टमीटर की रेंज को बढ़ा लेते हैं। यहीं पे मैं आपको बता दूं कि पिछले क्वेश्चन में आया था एमीटर की बढ़ाने के लिए, तो एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए समांतर क्रम में छोटे मान का रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, जबकि वोल्टमीटर में क्या करते हैं, सीरीज में अधिक मान का रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, जिसे हम मल्टीप्लायर कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दोनों क्वेश्चन आपको एक ही जगह मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा मीटर की डिस्क में आमने सामने दो छिद्र किए जाते हैं क्यों। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो एनर्जी मीटर होता है उसमें एक डिस्क होता है, तो
तो डिस्क में आमने सामने दो छिद्र किए जाते हैं, उसका क्या कारण है? तो उसका कारण है क्रिम्पिंग प्रभाव को रोकने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, क्रिम्पिंग प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो एनर्जी मीटर में जो डिस्क लगे होते हैं उसमें दो छिद्र कर देते हैं। आपको बता दूं कि क्रिम्पिंग प्रभाव यानी कि क्रिम्पिंग इफेक्ट होता क्या है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा एनर्जी मीटर में जो डिस्क लगा होता है वह बिना किसी लोड के ही या बिना किसी सप्लाई के ही धीरे धीरे वो मूव करते रहता है, यानी कि गति करते रहता है, उसको हम क्रिम्पिंग प्रभाव कहते हैं। उस क्रिम्पिंग प्रभाव को कम करने के लिए ही हम ऊर्जा मीटर के डिस्क में क्या करते हैं, दो छिद्र करते हैं। अगला क्वेश्चन, मूविंग आयरन यंत्रों की स्केल कैसी होती है? तो बता दूं कि मूविंग आयरन की बात कर रहा है, आपने अभी पढ़ा होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक फार्मूला बताया था, क्योंकि इस क्वेश्चन में बात कर रहा है मूविंग आयरन की, तो मैंने बताया था एम आई यानी कि मूविंग आयरन, एम ओ वी आई एन जी, मूविंग आयरन, यानी जब भी मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट की बात करें जिसमें आपका टी डी होता है यानी कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आई स्क्वायर के। तो जहाँ भी आपको कोई भी बल घूर्ण या कोई भी राशि किसी स्क्वायर के रूप में प्रोपोर्शनल हो, कहीं भी यदि आपको कोई राशि उसका स्क्वायर के रूप में प्रोपोर्शनल मिल जाए, तो जब भी उसका यदि हम पैमाना निकालेंगे या जो उसकी स्केल निकालेंगे वो क्या होगी, हमेशा नॉन लीनियर होती है, नॉन लीनियर, यानी इसको हिंदी में कहते हैं अरैखिक। चूँकि ये बात कर रहे हैं एम आई टाइप यानी कि मूविंग आयरन, तो जो मूविंग आयरन में आपका जो बल घूर्ण होता है टी डी यानी कि डिफ्लेक्सिंग टॉर्क होता है वो आई स्क्वायर क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और मैं बता दूं आपको कि जब भी कोई वैल्यू यदि स्क्वायर के रूप में उसके प्रोपोर्शनल हो, जैसे यहाँ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो क्या है आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में है, तो जब भी यदि कोई वैल्यू स्क्वायर के रूप में हो तो उसका यदि हम पैमाना निकालेंगे या उसकी स्केल को चेक करेंगे तो हमेशा क्या होगा, वो नॉन लीनियर यानी कि अरैखिक प्राप्त होगा। यहीं पर हम बात बता दें आपको कि अगर हम बात करें मूविंग कॉयल यानी कि एम सी टाइप यानी कि मूविंग कॉयल की बात करें, तो यहाँ जो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है ये प्रोपोर्शनल किसके होता है, सिर्फ और सिर्फ आई के। तो इसका यदि हम निकालेंगे पैमाना तो क्या होगा, हमारा लीनियर होगा, क्या होगा, लीनियर, इसे हिंदी में कहते हैं रेखीय, रेखीय। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि मूविंग आयरन यंत्रों की स्केल कैसी होती है, तो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं कि यदि कहीं भी वैल्यू अगर स्क्वायर ग्रुप में आती है प्रोपोर्शनल में तो उसका मान क्या हो जाएगा, अरैखिक। तो जो आपका ऑप्शन नंबर क्या बी सही है, और इसी को हम कहते हैं क्रैम्प्ड, और रैखिक को क्या बोलते हैं, क्रैम्प्ड भी बोलते हैं, क्रैम्प्ड, क्रैम्प्ड। यदि आपने कभी वर्कशॉप में प्रैक्टिकल वर्क किया होगा तो आपने देखा होगा मूविंग आयरन में जो स्केल बना होता है तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो वैल्यू होती है थोड़ा सा उसमें गैप होता है, लेकिन जैसे जैसे हम उसमें आगे बढ़ते जाते हैं तो जो हमारा पैमाना क्या होता है वो सघन होते चला जाता है, पैमाना हमारा सघन होते चला जाता है, यानी उनके जो बीच की गैप होता है वो क्या हो जाएगा, कम होते चला जाएगा। इसको बोलते हैं क्या, क्रैम्प्ड बोलते हैं, अरैखिक को ही क्रैम्प्ड भी बोलते हैं। क्रैम्प्ड का मतलब ये, यदि हम पैमाना को देख रहे हैं तो स्टार्टिंग में जो पैमाना इन दोनों के बीच जो गैप होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, जैसे जैसे हम इस पैमाने पर आगे बढ़ते जाएंगे इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, कम होती चली जाएगी, अर्थात ये सघन होती चली जाएगी, इसी को बोलते हैं क्रैम्प्ड। इस प्रकार जो आपका ऑप्शन नंबर बी है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा मूविंग आयरन के केस में। यदि अगर बात करेगा मूविंग कॉयल की तो वहाँ क्या हो जाएगा, उसका जो पैमाना होगा जो उसका स्केल होगा क्या होगा, लीनियर हो जाएगा, रेखीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कॉस फाई किस मीटर पर लिखा होता है? आपको पता होगा कॉस फाई का मतलब क्या होता है, कॉस फाई किसे कहते हैं, इसे कहते हैं पावर फैक्टर। तो इस प्रकार जो आपका ऑप्शन नंबर ए है पावर फैक्टर मीटर, इस पर हमारा कॉस फाई का सिंबल बना होता है या लिखा होता है, इसे बोलते हैं पावर फैक्टर मीटर। बाकी जो वाट मीटर आपका क्या मापता है, शक्ति मापता है, ऊर्जा मीटर भी आपका शक्ति मापता है, फ्रीक्वेंसी मीटर क्या मापता है आपकी, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति को मेजरमेंट करता है, लेकिन पावर फैक्टर कॉस फाई को मेजरमेंट करता है। अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूविंग कॉयल यंत्र में कौन सी डैम्पिंग की जाती है, यानी डैम्पिंग की बात कर रहा है, तो हम बता दें कि चाहे मूविंग कॉयल की बात करें या फिर मूविंग आयरन की बात करें दोनों ही केस में हम डैम्पिंग का प्रयोग करते हैं। डैम्पिंग होता क्या है, एक्चुअली बता दें आपको डैम्पिंग डी ए एम
PING, इसको हिंदी में कहते हैं अवमंदक, अवमंदक। डैम्पिंग का काम होता है कि जब भी हम किसी उपयंत्र में सप्लाई देते हैं या किसी चीज़ को मेजरमेंट करते हैं, जो उसका संकेतक होता है वो एग्जैक्ट वैल्यू पे स्थिर ना होकर उस वैल्यू के आगे पीछे कंपन करते रहता है या मूव करते रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपन बोलते हैं। उस कंपन को कम करने के लिए हम डैम्पिंग का यूज करते हैं। डैम्पिंग मेनली तीन तरह के होते हैं, बता दें आपको, तीन तरह के डैम्पिंग होते हैं। पहला होता है हमारा एडी करंट डैम्पिंग, EDDEY, एडी करंट, एडी करंट डैम्पिंग। जो हमारा दूसरा होता है इसे बोलते हैं एयर डैम्पिंग, एयर, एयर डैम्पिंग यानी कि वायु अवमंदक, अवमंदक, वायु अवमंदक। और जो हमारा तीसरा होता है इसे बोलते हैं फ्लूइड, FLUID, फ्लूइड डैम्पिंग, फ्लूइड डैम्पिंग। तो बेसिकली जो हमारा डैम्पिंग यानी कि जो अवमंदक होता है वो तीन तरह के होते हैं, एडी करंट, एयर डैम्पिंग और फ्लूइड डैम्पिंग। इन तीनों का यूज कहाँ करते हैं? सबसे पहले बात करते हैं एयर डैम्पिंग की। तो एयर डैम्पिंग यानी कि वायु अवमंदक का यूज वहाँ करते हैं जहाँ पर लोड क्या हो, बहुत ही कम हो, वहाँ पर हम एयर डैम्पिंग का यूज करते हैं। अब आते हैं एडी करंट, एडी करंट डैम्पिंग का यूज वहाँ करते हैं जहाँ पर लोड का मान क्या हो, ज़्यादा हो, यानी कि जो एयर डैम्प से ज़्यादा हो, तो वहाँ पर हम एडी करंट डैम्पिंग का यूज करते हैं। उसके पॉइंटर या संकेतक को उसके एग्जैक्ट वैल्यू पर स्थिर करने का काम करता है ये एडी करंट डैम्पिंग। अब बात करते हैं फ्लूइड डैम्पिंग, यानी कि इसको बोलते हैं द्रव घर्षण भी बोलते हैं, द्रव घर्षण डैम्पिंग, द्रव घर्षण अवमंदक भी इसे बोलते हैं। किसको? फ्लूइड डैम्पिंग को। फ्लूइड डैम्पिंग भी वही यूज होता है जहाँ पर लोड का मान क्या हो, बहुत ही ज़्यादा हो, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा व्हील होता है, पहिया होता है डिस्क की तरह, उसका वेट ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसका यूज इस समय क्या हो गया है, बंद हो गया है। इसका यूज पहले होता था जब तक एडी करंट डैम्पिंग का यूज नहीं होता था, लेकिन आज के समय में एडी करंट डैम्पिंग का इस्तेमाल अधिकतर हो रहा है और ये फ्लूइड डैम्पिंग का मान इस्तेमाल बंद हो चुका है। तो इन दोनों का, एडी करंट और फ्लूइड डैम्पिंग का यूज वहाँ करते हैं जहाँ पर लोड का मान ज़्यादा होता है, और एयर डैम्पिंग वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर लोड का मान कम होता है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इलेक्ट्रिशियन का क्लास कैसा लग रहा है। बाकी अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे थे तो आपको ग्लोबल आईटी यूट्यूब चैनल पर जाना है, वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाने के बाद वहाँ आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के नाम से आपका एक अलग प्लेलिस्ट बना होगा, जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रिशियन की और ढेर सारी वीडियोज मिल जाएंगी जिसके आपको ज़रूरत है, ठीक है। बाकी इंजीनियरिंग ड्राइंग, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्कशॉप कलेक्शन, तीन और आपके सब्जेक्ट होते हैं जो कि आपके ग्लोबल आईटी यूट्यूब चैनल पर पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। अगर आपने इन्हें अभी तक नहीं देखा है, आपका एग्जाम भी अब ज़्यादा दूर नहीं रहा, 30 तारीख को इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्जाम भी है, तो आप इन्हें जाकर देख सकते हैं। जो इंजीनियरिंग ड्राइंग, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्कशॉप कलेक्शन, तीनों को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है, वो भी चैप्टर वाइज, ठीक है। तो बाकी अगर आपको वीडियो जैसा भी लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर आप पहली बार चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।